हेलो लवलीज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजरात की ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी ऊंधियू। ऊंधियू की रेसिपी हर घर में अलग-अलग तरह से बनती है, बट आज मैं आपके साथ जो ऊंधियू की रेसिपी शेयर करूंगी ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी के मुठिया। एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा और 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा हो तो फिर आप वही यूज कर सकते हैं, फिर सूजी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1 कप जितनी मेथी ऐड करेंगे, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। मसालों में ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधी चम्मच सफेद तिल, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून का आधा 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, उसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स करके सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे, ना ज्यादा नरम ना ज्यादा सख्त। 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये सेमी सॉफ्ट डो रेडी करने में सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी की जरूरत पड़ी थी। हाथों में ऑयल लगाकर छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं, जिसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम गरम ऑयल में बॉल्स को ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाते हैं। 3 से 4 मिनट तक और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। बॉल्स बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक कुकर, जिसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। वही मुठिया वाला ऑयल ऐड करना है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कमाल पत्र, चक्री फूल, दालचीनी और 2 से 3 लौंग, 1 चम्मच राई और आधी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। राई और जीरा चटकने के बाद ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और आधी चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट। सभी चीजों को आधी से 1 मिनट सोटे करेंगे स्लो फ्लेम पे। 2 से 3 टेबलस्पून मेथी ऐड करेंगे, उसको भी 1 मिनट सोटे करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। टमाटर को कुक करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। मसालों में ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1.5 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मसालों को भी अच्छे से कुक करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है आलू, गाजर, फ्लावर, बैंगन, गुआरफली और कच्चा केला। 2 टेबलस्पून मटर और 2 टेबलस्पून तुवर के दाने ऐड करेंगे। सभी वेजिटेबल्स को ग्रेवी के साथ 2 से 3 मिनट तक सॉटे करेंगे। ऐसा करने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आप सेम मेजरमेंट फॉलो करके ये सब्जी बनाएंगे, तो आप इसे 3 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। 1.5 से 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे 1 विसल होने तक कुक होने देंगे। एक विसल में ही सब्जियां बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं, क्योंकि हमने पानी थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया था। नॉर्मल सब्जी से पानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मुठिया भी ऐड होते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ड्रमस्टिक और प्रिपेयर किए हुए मेथी के मुठिया। मेथी के मुठिया को सब्जी के अंदर थोड़ा सा डुबा देंगे। अब इसे लीड कवर करके जस्ट आधी विसल तक ही कुक करना है। टेस्टी और मसालेदार ऊंधियू इंजॉय करने के लिए रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल के इसे सर्व करेंगे। अगर आपको सिंपल सी मसालेदार ऊंधियू की रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।